क्या स्टार्टअप्स का बुलबुला फूटेगा, क्यों बंद हो रहे हैं स्टार्टअप्स, इसी पर हमारा एक खास प्रोग्राम है। हम सीधे चलेंगे आर चंद्रशेखर जी के पास। सर, पिछले 8 महीनों में कई स्टार्टअप्स कंपनियां तो बंद हुई हैं या तो बंद होने के कगार पर है। ताज़ा मामला हमने टैक्सी फॉर शोर का देखा, जिसका अधिग्रहण ओला ने 18 महीने पहले किया था, और कुछ स्टार्टअप्स बंद भी हुए जिसमें टाइनी आउट, पेपर टैप और जोरूम्स हैं। ये आपको प्रेशर लगता है कि एक फंडिंग प्रॉब्लम है जो पूरे स्टार्टअप में ही है इस वक्त? देखिए, इसके लिए 2-3 कारण है। एक तो जैसे पहले सौमित्तल जी ने कहा है कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो एक 90% तक स्टार्टअप्स का फेलियर रेट है, वो एक स्टैटिस्टिक है। दूसरी बात ये है कि 1 या 2 साल पहले एक माहौल जो बना था इस देश में कि स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग काफ़ी आसान तरीके से मिल रहा था, क्वांटम में भी और जो असेसमेंट और इन्वेस्टमेंट में भी, और इस वजह से जो स्टार्टअप्स बिजनेस शुरू किया था उनमें ज़्यादातर फोकस सिर्फ एक्सपेंशन पे था, और जो बॉटम लाइन और फ़ायदे की बात थी वो तो दूर की बात थी और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और ये जो इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशंस थे वो एक उम्मीद पर इन्वेस्टमेंट्स किया था कि जैसे चाइना में एक रफ्तार से ग्रोथ हुआ था उसी रफ्तार से शायद इंडिया में भी ग्रोथ होगा, पर इंडिया का माहौल अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ़र्क है, लोगों का प्रैक्टिसेस फ़र्क है, और इंडिया का ग्रोथ मॉडल जब सामने आया तो ये साफ नज़र आया कि ये ग्रोथ पैटर्न अपने रफ्तार से होगा। और ये ध्यान में रखते हुए फिर जो करेक्शन हुआ था उसके वजह से इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा ध्यान प्रॉफिटेबिलिटी पे भी लगाना शुरू कर दिया, और जो इन्वेस्टमेंट और फंडिंग जो आ रहा था उसमें सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं पर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे ध्यान रखने की ज़रूरत अब है। तो जब ये शिफ्ट हो गया था और जब ये डायरेक्शनली थोड़ा सा चेंज हो गया था तो स्टार्टअप्स में इसका इम्पैक्ट अभी नज़र आ रहा था, आ रहा है, और इसी वजह से जो कुछ M&As सक्सीड हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी मच ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो होल स्टार्टअप का इकोसिस्टम एक नॉर्मल प्रोसेस है कि स्टार्टअप शुरू होता है फिर बंद हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे स्टार्टअप भी शुरू होते हैं कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इनफैक्ट रामकुमार कृष्णचारी से मैं इस पर कमेंट लेना चाहूंगी, आपको लगता है होल इकोसिस्टम में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं या बंद हो जाते हैं, फेलियर्स हैं, बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं जो कंपनीज है छोटे स्टार्टअप्स को अक्वायर करती हैं, तो आने वाले टाइम में ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है और कैसे हो सकता है? डेफिनेटली मैं 100% सहमत हूँ चंद्रशेखर जी और सोम मित्तल से। ये पूरा एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जहाँ पे हमने देखा है US में भी, चाइना में भी, कि जो दिस इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। एंड दूसरी देखेंगे आप कि होल वर्ल्ड में आज इंडिया बन गया एक ग्रोथ मार्केट, एंड इंडियन इंटरनेट एंड ई कॉमर्स इकोसिस्टम अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे है। ये अर्ली स्टेजेस पे क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ कैपिटल हमारा आइडियाज को चेस कर रही है, लेकिन हमारा जो स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो उनका जो ये है, यू नो देयर आउटलुक है, दे आर मोर कंसर्न्ड, एज दी राइटली चंद्रशेखर जी राइटली सेड, ऑन एक्सपेंशन, ग्रोथ एक्सेट्रा, विदाउट फोकसिंग ऑन द what I call the unit economics, profitability, etc. So अभी क्या होगा, अभी as it evolves, the whole process evolves, and अभी VCs लोग capital अभी tap बंद किया तो बोल रहा profitability दिखाओ, तो अभी इन लोग का ये business को profitability दिखाने में दिक्कत हो रही है, तो capital attract करने में problem हो रही है, unit economics prove करने का problem हो रही है। So अभी क्या हो रहा है कि अभी जो business model sound है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कस्टमर को, जो वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को, वो सब बिजनेस मॉडल विल सस्टेन एंड इट विल अट्रैक्ट कैपिटल। जो जो क्लोजर
क्लोन है जो मैं भी चाइना में हुआ, यूएस में हुआ, मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे माहौल अलग है, यहाँ पे कल्चर अलग है, यहाँ पे धंधे करने के अलग तरीके हैं, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस अलग है। सो ये थोड़ा दिक्कत है, इट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। अभी अब आफ्टर सम टाइम यू इट विल, जो इंग्लिश में कहावत है, इट विल डिफरेंशिएट मेन फ्रॉम द बॉयज, तो अभी ये हो रहा है। थोड़ा टाइम, आपका कहना है कि थोड़ा टाइम इसमें और लगेगा। इनफैक्ट सोम मित्तल सर, जब स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसके बाद स्टार्टअप्स को लेकर डेफिनेटली काफी रियायतों का ऐलान किया गया था, चाहे वो टैक्सेस हो और काफी सारी जो बात की गई थी। आपको लगता है कि स्टैंड अप इंडिया जो सरकार का इनिशिएटिव था वो वाकई कारगर साबित हुआ है? देखिए, जो स्टार्टअप्स को सरकार के हिसाब से दो तीन चीजें ही चाहिए। एक तो जो हमारे लॉज हैं, कंपनी लॉ है, वो छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मध्यम वर्ग की कंपनी, इनमें कोई फर्क नहीं देखती है। तो चाहे आपकी कंपनी 5 लोगों की हो या 5 लाख लोगों की हो, उसके अंदर जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो करीब करीब बराबर हैं। तो सबसे बड़ा महत्व जो गवर्नमेंट को करना है कि वो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिए, या आप ये बोलिए कि पहले 4-5 साल तक ऐसे एग्जेम्पशंस हो जहाँ की जो कंप्लायंस का इतना बड़ा एक मुद्दा बन जाता है स्टार्टअप्स के लिए कि वो मार्केट पे फोकस करें, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करें या कंप्लायंस में करें जी। तो गवर्नमेंट की जरूरत तो बहुत है, क्योंकि गवर्नमेंट का हमको इतना पैसा इतना नहीं चाहिए जितना कि इस तरह के रूल्स। इसी तरह से जो हमारे लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, उनके जो कैपिटल गेन्स टैक्स और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा झगड़ा था, उसमें से काफी कुछ उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। ग्राउंड लेवल पे कितना हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली कई पॉलिसीज बनाई हैं उसके हिसाब से फंडिंग, उनका कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह सॉर्ट आउट हो गया है। और जी सर, और जिस क्वेश्चन से इनफैक्ट हमने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की थी, क्या भारत में स्टार्टअप एक बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है? देखिए, ये इसको मैं बुलबुला नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा झाग है, कुछ बुलबुले फूटते रहेंगे। लेकिन इस समय जितनी हमारे पास टैलेंट है, जितनी हमारे प्रॉब्लम्स है हिंदुस्तान की, कि हमारी जब कनेक्टिविटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो शुरू में आपको लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी सक्सेस अनाउंस हो जाती है, और इसी तरह से बहुत जल्दी हम फेलियर्स भी अनाउंस करने लगते हैं। जैसा मैंने बोला, हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर 10 स्टार्टअप आते हैं तो उसमें तो 7 फेल होंगे ही, उससे लोग सीखेंगे, लेकिन 3 बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे जी। और वो एक बहुत जरूरी चीज है समझनी, और मेरे ख्याल से ये बबल नहीं है, लेकिन लोगों के पास अब वो एक्सपीरियंस आ रहा है, उनका जो एक्सपीरियंस सिखा रहा है उनको कि किस तरह के स्टार्टअप सक्सेसफुल रहेंगे। सोम मित्तल मानते हैं कि सोम मित्तल मानते हैं कि बबल नहीं है। वेरी ब्रीफली रामकुमार कृष्णाचार्य, आपको लगता है स्टार्टअप एक बबल है, जैसे एक टाइम पे एक आईटी बबल हुआ करता था? बबल नहीं बोलूंगा, क्या हो गया कि अभी इजी कैपिटल की वजह से हमारा जो बिजनेस मॉडल एक सस्टेनेबल नहीं हो सकता, वो सब फंडिंग हो रहा है, ये एक हेल्दी साइन है कि ये जो खराब बिजनेस मॉडल है अभी वो सब बंद हो रहा है। एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट ओनली द गुड बिजनेस मॉडल विल सर्वाइव एंड अट्रैक्ट कैपिटल, ओनली गुड बिजनेस मॉडल्स विल सर्वाइव, और बाकी हो सकता है जैसा हम देख रहे हैं इनफैक्ट एक्विजिशन के चलते कुछ जो बिजनेस मॉडल्स है वो बंद हो जाए। कुछ स्टार्टअप्स जो बंद हुए हाल ही में वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का हमारे साथ इस स्पेशल शो में जुड़ने के।